नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन रजिस्ट्री पिताजी के नाम से है, लेकिन जमाबंदी दादाजी के नाम से चल रहा है और लगान रसीद भी दादाजी के नाम से कट रहा है। जमीन अपने कब्जे में है, लेकिन यह पिताजी के नाम से जमीन रजिस्ट्री है तो लगान रसीद भी पिताजी के नाम से ही कटना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आज जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि कोई जमीन है और वह जमीन रजिस्ट्री किया गया है, मतलब जमीन रजिस्ट्री का पेपर है और आपके पिताजी के नाम से है, लेकिन उस जमीन का जो है जमाबंदी वह दादाजी के नाम से है, लगान रसीद भी दादाजी के नाम से ही कट रहा है, लेकिन जमीन जो है वह दखल कब्जा में है। अब आप चाह रहे हैं कि जमीन रजिस्ट्री जब पिताजी के नाम से है तो जमाबंदी भी पिताजी के नाम से ही होना चाहिए, लगान रसीद भी पिताजी के नाम से ही कटना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको पहले समझना होगा। देखिए, इसमें जो है दो बातें हो सकती है। एक तो यह है कि जमीन रजिस्ट्री आपने कराया, मतलब आपके पिताजी ने कराया किन्हीं अन्य पर्सन से, किन्हीं अन्य व्यक्ति से आपके पिताजी ने जमीन रजिस्ट्री कराया, और जब जमीन रजिस्ट्री कराया तो फिर दाखिल खारिज कराने के लिए गए। अब दाखिल खारिज कराने में हो सकता है कि यह मिस्टेक हो गया हो कि जो नाम होता है, मान लीजिए कि आपके दादा पिताजी का नाम है तो पेसर में आपके दादाजी का नाम होगा, तो हो सकता है यह कंडीशन कि दाखिल खारिज में नाम उल्टा हो गया हो, यह भी हो सकता है। लेकिन अगर नाम उल्टा हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि दादाजी के नाम से अगर दाखिल खारिज हो जाएगा तो वहां पर उनके पेसर में आपके पिताजी का नाम चला जाएगा। ये कंडीशन अगर है तब तो नाम उल्टा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके दादाजी के नाम से जमाबंदी है और आपके पिताजी के नाम से जमीन रजिस्ट्री है, लेकिन दादाजी के नाम से जो जमाबंदी है उसमें दादाजी के पेसर में उनके पिताजी का नाम है, मतलब आपके दादाजी के पिताजी का नाम है, अगर इस तरह है तब यह कंडीशन हो सकता है कि आपके पिताजी का ही पहले से जमाबंदी रन कर रहा होगा और फिर उस जमीन को नामांतरण कराने के लिए, मतलब कि अपने बेटे के नाम पर करने के लिए, मतलब आपके दादाजी आपके पिताजी के नाम पर करने के लिए जमीन रजिस्ट्री करवाए होंगे, लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा, जिसके कारण से जमाबंदी अभी भी आपके दादाजी के नाम से चल रहा है, ठीक है। तो ये दो में से कोई एक कंडीशन हो सकता है। आप इस पर सजग रूप से सही चीज को उजागर कीजिए, जो उचित उसमें लग रहा है। दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा ही, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन है तो फिर उसे स्पष्ट कीजिए। आप अपने अंचल में जाके अंचलाधिकारी को आवेदन दीजिए, अपने जो भी आपका दस्तावेज है उस दस्तावेज को संलग्न करके और वो समस्या आप बताएं। लेकिन सबसे पहले आपको ये ढूंढना होगा कि इन दोनों में से कंडीशन क्या है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।